तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो यहाँ पे मैंने दाल ले ली है, ये मिक्स डीमार्ट से तैयार ही आती है दाल। तो इसमें है चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल और मूंग की जो छिलके वाली आती है वो भी दाल है। तो ये सब हम दाल ले लेंगे, मसूर की दाल भी है इसमें। तो ये दाल खाने में बहुत ही हेल्दी है। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो यहाँ हम दाल ले लेंगे और इसको हम दो पानी से वॉश कर लेंगे पहले, और फिर हम इसको पानी में भिगो के 15 से 20 मिनट तक रहने देंगे। तब तक हम जो इसका प्रिपरेशन है वो कर लेंगे। यहाँ हमने दाल को कुकर में ले ली है, दाल को भिगोए 15 से 20 मिनट हो गई है। अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक और इसको कुकर को बंद करके हम इसकी प्रेशर कुकर पे एकदम मीडियम पे दो विसल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई है, देखिए बहुत ही अच्छी पक गई है। अभी हम इसका तड़का लगा देते हैं। तो आपको ये दिख रही होगी कि बहुत ही अच्छी मिक्स हो गई है हमारी दाल। चलिए इसका हम तड़का लगा देते हैं। दाल के तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें हम थोड़े खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे मरी हो गया, लविंग हो गया, और उसके बाद हम डालेंगे रेड चिली, लहसुन बारीक कटा हुआ। अभी इसमें हम डालेंगे राई जीरा और थोड़ी सी डालेंगे हींग, और इसमें हम डाल देंगे एक प्याज। अभी इसमें हम डाल देंगे एक टमाटर, और इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले जैसे रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी हल्दी डालेंगे क्योंकि हमने जब इसको बॉईल किया था तब भी डाली थी, और थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से सौते होने देंगे तड़के को। तो देखिए ये हमारा तड़का रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया, एक नंबर। इसमें हम डाल देते हैं दाल जो हमने बॉईल करके रखी है। कुकर में ही पानी लेंगे और वही पानी हम दाल में डाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी मिक्स दाल बनके रेडी हो गई है। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे अच्छे से। अगर आपको इसको राइस के साथ खाना है तो थोड़ा पतला रखिए दाल को, और अगर इसको दाल या परोठा के साथ खाना है तो थोड़ी जाड़ी रखिए, यानी थीक रखिए, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और एक नंबर है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।